प्राइम 18 न्यूज चैनल, हम करेंगे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। एम्स अस्पताल में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत में सुधार हो रहा है, उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। गुरुवार को उन्होंने खिचड़ी खाई और लोगों से बात भी की, हालांकि डॉक्टर ने उन्हें बोलने से मना किया है। उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी और भोला यादव उनके पास ही मौजूद हैं। लालू यादव को ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया गया है, हालांकि सोते समय उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। लालू के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव गुरुवार को एम्स आते जाते रहे, वो डॉक्टरों से लगातार संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव रिकवर कर रहे हैं, उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, उन्हें सघन चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। लोग किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं। आपको बता दें कि गुरुवार को मीडिया में खबर चली थी कि लालू यादव का शरीर लॉक हो गया है और वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इसका खंडन किया और कहा कि ये बातें महज अफवाह है। एम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को राबड़ी देवी और उनके बेटे बेटियों से हल्का मुस्कुराकर बात की। माना जा रहा है कि कुछ समय बाद उन्हें आईसीयू से निकालकर सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों राबड़ी आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे, उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए लालू को दिल्ली लाया गया, जहां पर उनकी सेहत में सुधार होता नजर आ रहा है।